कि एक हमारे पास कोई तीसरा चार्ज है ये तीसरा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है जो हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे रखा गया है इक्वेटोरियल मतलब दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के सेंटर पे रखा गया है परपेंडिकुलरली इसको हम मोशन कराते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे कुछ एक्स डिस्टेंस मोशन करा के ले जाते हैं तो चार्ज हमारा यहाँ पे पहुंच जाता है और ये चार्ज हमारा नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे माइनस चार्ज रखा गया था सेंटर पे रखा गया था दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के इसको क्वेश्चन में कह रहा है इक्विटोरियली लाइन पे हम इसको मूव करते हैं एट ए डिस्टेंस एक्स चार्ज हमारा यहाँ पे पहुंच जाता है और ये थीटा एंगल बनाता है तो हमें क्या फाइंड आउट करना था जैसे ही जब x डिस्टेंस से इसको ले जाके छोड़ोगे तो ये क्या करेगा हमारा इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर देगा क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर देगा जैसे यहाँ से छोड़ोगे चार्ज पार्टिकल हमारा देखो ऐसे मोशन करेगा यहाँ से नीचे की तरफ आएगा फिर उतनी डिस्टेंस नीचे जाएगा फिर इस तरह से ऊपर जाएगा फिर इस तरह से नीचे आएगा और इस तरह से चार्ज पार्टिकल हमारा मोशन कर रहा होगा ऑसोलेट कर रहा होगा तो इसके ऑसोलेशन का हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है ठीक इसके ऑसोलेशन का हमें क्या फाइंड आउट करना था एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना था तो यहाँ से इसको देखेंगे पहले हम क्या देखेंगे कि जब हमने इस चार्ज पार्टिकल को x डिस्टेंस ले गए तो इस पर यहाँ पे फोर्सेस लगेंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज था यह भी हमारा पॉजिटिव चार्ज था तो ये नेगेटिव चार्ज है ठीक इस पर एक फोर्स लगेगा और फोर्स क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स होगा तो ये डिस्टेंस देखो कितनी हो जाएगी अगर हम कहें कहीं डिस्टेंस हमारा कुछ डी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से अगर देखो ये एक्स है ये हमारा वन मीटर हो जाएगा ये भी हमारा वन मीटर हो जाएगा तो अगर इस ट्राइंगल में देखो तो ये हमारा हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट आप निकाल सकते हो किस दो वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तो एफ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो देखो एफ इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास के क्यू वन क्यू टू तो क्यू वन की वैल्यू कितनी है क्यू लेट्स से हमारा क्यू वन था क्यू टू भी हमारे पास क्यू है दोनों चार्ज पार्टिकल जो है सेम नेचर उनका अलग अलग है बट उनका मैग्नीट्यूड सेम है अगर हम मैग्नीट्यूड फोर्स का निकाले तो क्या होगा के क्यू वन क्यू टू डिडेड बाई आ जाएगा उनके बीच की डिस्टेंस कितना है डी स्क्वायर तो यहाँ इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर ये हमारा फोर्स आ गया ठीक अच्छा इसी तरह से हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ भी यही फोर्स एफ लगाएगा ठीक यही सेम फोर्स लगाएगा वो भी अट्रैक्शन फोर्स होगा ठीक अब यहाँ पे देखो जब इसको आपने एक्स डिस्टेंस ले गए इसको यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो ए नीचे यहां से इसको आप एक्स डिस्टेंस ले गए थे ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन थी इस पर एक फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है इस पर दूसरा फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है दोनों सेम एंगल थीटा बना रहे हैं थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में है थीटा ही बना रहे हैं ठीक ये एंगल थीटा है ये भी एंगल थीटा है तो इन दोनों फोर्स के आप अगर आप कंपोनेंट करोगे अगर यहाँ पे इसको और हम क्लियर बना ये लाइन अगर ये एक्स डिस्टेंस इस तरह से आपने ले गया था अगर इन दोनों फोर्सेस के आप कंपोनेंट करोगे तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा देखो एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा इसी तरह से इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाएगा F cos थीटा तो यहाँ पे देखो इन दोनों फोर्सेस का एक कंपोनेंट आ जाएगा दोनों को ऐड कर दोगे तो नेट जो इस डायरेक्शन में आ जाएगा नीचे की तरफ 2F cos कॉस थीटा हो जाएगा 2F cos कॉस थीटा अच्छा इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा F sin थीटा F sin थीटा और इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा एफ साइन थीटा अब दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम सेम थे आप देखो फोर्स कितना था के स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इटमिस दोनों केस में फोर्स सेम था इट ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं कैंसिल कर देंगे तो इस पॉइंट पे जब इसको आप एक्स डिस्टेंस ले जाओगे तो उस पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल की तरफ नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे थे टू एफ कॉस थीटा और यही फोर्स इसको वापस नीचे की तरफ लाएंगे तभी तो ये ऑसोलेशन करेगा तो नेट फोर्स अगर इस चार्ज पार्टिकल पर जब आप इसको इस सेंटर से

X square, ये हमारा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एफ नेट आ जाएगा हमारे पास एफ नेट इक्वल्स टू टू के और डी की वैल्यू अच्छा, तो अच्छा, पुट कर दो डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अब इसको देखो ये पावर वन है रूट हटाओगे तो पावर कितना हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा तो अगर यहाँ पे इस रूट को हटा दें अगर आपको सिंपलीफाई करना इस रूट को हम हटा दें तो यहाँ पे इसके होल पावर में कितना आ जाएगा हमारे वन बाई टू है तो पावर ऐड हो जाएगी वैल्यू कितना पास वन प्लस एक्स स्क्त वन प्लस एक्स की पावर यहाँ से देखो, f net equals to कितना हो जाएगा हमारे पास थ्री बाई टू अब यहाँ पे एक एजेंशन लेना होगा जो ये डिस्टेंस है अगर यहाँ पे देखो इस डिस्टेंस को आप बहुत ज़्यादा ले जाओगे तब तो एस एच एम नहीं करेगा एक्स क्या है हमारा कम्पेटिवली जो अगर यहाँ पे देखो वन के कम्पेरिजन में ये डिस्टेंस कितनी थी इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस वन मीटर थी तो जो एक्स है इस वन मीटर के कम्पेरिजन में बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस हमने इक्वेटोरियल लाइन पे ले गए यहाँ पे बड़ा दिख रहा है पर एक्चुअली क्या है रियल में इसको हमने बहुत कम डिस्प्लेस किया है ठीक तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एस इज़ एक्स इज़ वेरी एक्सक्वायर इज लेस देन देन लेस देस ठीक तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे देखो एफ नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास टू के क्यू स्क्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा वन और वन की पावर थ्री बाई टू तो वन ही रहेगा तो यहाँ से ये यह हमारा नेट आ गया तो क्योंकि हम देख पा रहे एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन वन तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को हम हटा सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं ठीक क्योंकि बहुत ही छोटी क्वांटिटी उसमें वन में ऐड करोगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा तो यहाँ से देख सकते हैं एफ नेट इक्वल्स टू हमारे पास आ गया टू के क्यू स्क्स अच्छा ये नेगेटिव जो चार्ज था उसका मास हमें हमें था इस नेगेटिव चार्ज का हमें मास तो कैलकुलेट तो करोगे यहां फिर एक, net उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टू के क्यू स्क्स डिवाइडेड बाई मास हमारा आ गया एक्सीलरेशन अब यहाँ से देख सकते हो हमारा एक्सीलरेशन आ गया ठीक एक चीज तो क्लियर हो गई ये हमारा एक्सेलरेशन का टर्म्स आ गया। अब अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में तरफ था और जो नेट एक्सेलरेशन आया वो हमारा नीचे की तरफ है इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और यहां से इस फॉर्मुले से देख भी सकते हो कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स इट कि की पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक

यहाँ से आपको ओमेगा कैलकुलेट करना था ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूड यहाँ डिवाइडेड बाई एम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दोगे आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसेशन मिल जाएगा सारी वैल्यू पुट करोगे पे आंसर मिल जाएगा तो ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी था उसकी वैल्यू आ जाएगी टू के वैल्यू होती है नाइन इंटू टेन टू दिवर नाइन इंटू क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास टेन डिवाइडेड बाई मास हमें किस में गिवन था ग्राम में कितना जीरो पॉइंट टू तो जाएगा टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर ग्राम के जी तो यहां से देखो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद में थ्री इंटू टेन टू दावर सेवन किस में आ गया इसकी कितनी हो जाएगी हमारे पास रेडियन पर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे दो चीजें पता होनी चाहिए थी पहले तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट फोर्स कितना लगेगा नेट फोर्स कैलकुलेट किया फिर यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू ये आ गई नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेन यहाँ से एक्सेलेन कैलकुलेट किया अब यहां से कंपेयर किया SHM की इक्वेशन से पता चला सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते थे राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्व से लेकर नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड कर डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर